गाइस नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो मैंने बनाई है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के ऊपर जो अच्छे हैं अपनी कौम के लिए, हमारे लिए नहीं, क्योंकि इतने अच्छे हैं कि अपने पाकिस्तान के लोगों के अंदर, अवाम के अंदर नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं करते, कुछ भी नहीं है करते, कोई काम नहीं है माधव चौधरी के बाद। पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मैं खुद सुनता हूँ उनको, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं मादर चौथ के पिल्ले, डॉक्टर तुर्की, गुची खान, वकार ज़का, इन दोनों के ऊपर तो वीडियो बहुत बार बना चुका हूँ, लेकिन वकार ज़का जो है इसके ऊपर पहली बार बना रहा हूँ, और मैं बनाता भी नहीं, लेकिन इसने कोई ऐसी बात कर दी कि जिससे हर हिंदुस्तानी का खून खौल जाएगा, क्योंकि जब कश्मीर का नाम आता है हम तो बर्दाश्त नहीं करते। अरे माँ के लड़ो, खासकर तू भोसड़ी के, क्या कह रहे तूने कश्मीर के लिए, क्या किया तुम पाकिस्तानों ने कश्मीर के लिए, माँ के लौड़े, एक पत्थर तो तुमने दिया नहीं बहन चो कश्मीरियों को। मादर चोद, हम बहन चो कश्मीर में स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, तुम बहन टेरिस कैंप लगाते हो, वहां पर स्कूल चलाते हो, 7 7 साल 8 8 साल के बच्चों को बहन चो AK-47 से हम चलाना सिखाते हो। माँ के लड़ो, यही औकात है तुम्हारी, यही औकात है तुम्हारी, बहन के लड़ो। और वकार ज़का ने अभी एक बात कही कि अपने ही आवाम के बारे में कि तुम क्यों इंडियन वीडियोस और क्यों इंडियन सिंगर्स की एल्बम्स को आप ट्रेंडिंग पर रखते हैं पाकिस्तान में, इनको देखना बैन करें। अच्छा बैन कर दें, भोसड़ी के इतनी दिक्कत है तो क्यों तुम्हारा आतिफ असलम आता है इस देश के अंदर, हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में गाने गाते हैं, हैं? तू पैदा भी नहीं होता ना भोसड़ी के, तो उससे पहले कि तेरी माँ सलमा आगा भोसड़ी के, वो भी आई थी, हमारी पिक्चरों में काम किया, हमारे लिए गाने गाए, लोगों ने प्यार दिया, उसने हिंदुस्तान को प्यार दिया, लेकिन तुम मैं तो समझते नहीं हो। अरे आर्टिस्ट को तो छोड़ दो, माँ के लड़ो, वो भी नहीं करना, क्यों नहीं करना भाई, ये कब तक गंदी सोच रखोगे तुम लोग यार, बैठ के लड़ो। और वो क्यों ना देखे तुम्हारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, क्यों ना देखे इंडियन वीडियोस को, जहां अच्छा हो रहा होगा भोसड़ी के वही तो देखेंगे ना लोग, तुम्हारे देश में क्या अच्छा हो रहा है, लंड हो रहा है, माँ के लड़ो, अपनी बहन को बेच बेच के रोटी खाने वाली कौम, सुधर जाओ भोसड़ी वालों, तुम अब तो सुधर जाओ। क्या किया तुमने कश्मीरियों के लिए बहन चोद, 1100 रुपये किलो आटा, 140 रुपये किलो टमाटर, मजाक है क्या, हमारा 69 70 72 रुपये जो है वो डॉलर की कीमत है, $1 कीमत है, तुम्हारा 140 है, वो देखो तुम अपना, बहन के लड़ो, भीख पे बना हुआ देश, भीख पर रहने की इकोनॉमी, आते हैं बहन के लड़े वो गंदी सी बनियान पहन के, डॉक्टर तुर्की भोसड़ी का, भाई अच्छे कपड़े खरीद ले भोसड़ी के, तो मेरे से पैसे ले ले, नंगे बदन भोसड़ी का आ जाता है, वीडियो बनाता है, गंदी से पंजाबी बोलता है, अपनी माँ चुदाने आ जाता है, भाई यही है क्या तुम्हारी लोगों की सच्चाई है। मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही होगी, एटलीस्ट कराची में तो हो रही होगी, पता लगता है मैम तो तुम्हारा जो प्रधानमंत्री है बाहर जाता है अमेरिका में कहीं पे, जी मुझे पैसे दे दो, मुझे कराची में सफाई करवानी, ये औकात है तुम लोगों की, उतारो चश्मे भोसड़ी के। ये वकार ज़का ने अभी कहा कि हमारी जो हीरोइंस हैं प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण, उनको देख के ना इसको उल्टी आती है। अच्छा तो तुझे क्या आता है, तुझे देख के क्या आता है लोगों में, हैं? गांड के अंदर सांप डाल के मुंह से निकालने वाली कौम भोसड़ी के, तू खुद तो देख ले तू क्या है, मेरा लंड है तू, माँ के लौड़े क्या है तू भोसड़ी के, अब सुधर जाओ, सुधर जाओ भोसड़ी वालों, तेरी शक्ल देख के तेरा बाप भी बहन चो अपने आपको आईने में नहीं देखता होगा कि मैंने क्या पैदा किया, मादर चोद, अपने माँ बाप के भी सलाख कराने वाली कौम, बहन के लड़ो सुधर जाओ, समझ गए, और मत सिखाओ किसी को भी, पाकिस्तान के लोगों को मत सिखाओ, वो समझदार, उनको पता है बेटा कश्मीर किसका हिस्सा है, उनको पता है कि कौन से देश में क्या हो रहा है, उनको पता है कौन से सिंगर्स को सुनना है, और इतनी दिक्कत है तो क्यों तुम्हारा आतिफ असलम आता है बेटे,
क्यों तुम्हारा जो है फवाद खान आता है, अगर हमारे आर्टिस्टों से, हमारी बॉलीवुड की फिल्मों से, हमारी बॉलीवुड की इंडस्ट्री में इतनी दिक्कत है तुम्हें? तो कुछ छोटी इंडस्ट्री नहीं है भोसड़ी के, हर घंटे में फिल्म शुरू होती है, घंटे में फिल्म बंद होती है। भीख पे बनी हुई कौम हो तुम लोग, और भीख मांगने आते हो यहाँ पे, हमको काम दे दो, काम दे दो, काम दे दो। आर्टिस्टों की कमी नहीं हिंदुस्तान में, 135 करोड़ देशवासियों की कौम है ये, हर बंदा आर्टिस्ट है यहाँ पे, समझा ना? माए के लोड़े हिजड़े साले, अब कार में भूला करो तुम्हें, बार बार बोलता हूँ मैं, भोसड़ी के साले, क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम्हारा अदनान सामी क्या आया फिर? और मैं सबको कहना चाहूंगा, ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, इवन जो हमारे बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं, जो लोग हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप सीखे, अदनान सामी से सीखे, पाकिस्तान के हैं, थे मतलब, अब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, नेशनलिटी उनको हिंदुस्तान की मिल गई, सिटीजनशिप मिल गई हिंदुस्तान की, इसके साथ साथ वो यहाँ रहते भी हैं, हिंदुस्तान का गाते हैं, नेशनल एंथम पे खड़े होते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, तो यहाँ के लोगों को दिक्कत हो जाती है बोलने में। सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो मैं सुधार दूंगा, एक एक करके सब सुधरेंगे, और मुझे जैसे 36 यूट्यूबर हैं हिंदुस्तान के और अफगानिस्तान के भी, जो तुम लोगों को सुधारने आएंगे। घुस के मारने वाली कौम है हम, हिंदुस्तानी के बारे में कहा जाता है कि घर में घुस के मारते हैं, एयर स्ट्राइक करी, उरी स्ट्राइक करी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब तो भी तुम्हें समझ नहीं आई यार, अबे कितने बड़े छेद तुम्हारे गाने के अंदर, बम्बू डाल दे भैंचो और क्या लोगे? सुधर जाओ, आखिरी बार कह रहा हूं, जय।